वहां पर पार्टी के नाम पर, जनता के नाम पर, कल के नाम पर, ऋषि के नाम पर अत्याचार ना हो, जहां पर किसी भी तरह का रोजगार ना हो, इस सोसाइटी के लिए हम लड़ रहे हैं, समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। जब तक ये बनना है इस यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके की जातिवाद के खिलाफ, इस्लाम इस तरह की यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन मदर के खिलाफ, बीएससी में प्रोफेसर ऋतु के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ, तो आपका नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में से आएगा, ना कि लगाने वालों में से आएगा। क्योंकि एक ही नारा है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक मुहिम है संविधान को बचाने की। यह बच्चे जो प्रोफेसर जो लगातार आते रहते हैं, क्यों आज हम यहां लेट बैठे, क्या उसकी डेफिनेशन होगी इस विद्यालय में, जब इतिहास में, जब दिल्ली विद्यालय में इतिहास लिखा जाएगा, उस वक्त ये प्रोटेस्ट, ये धरना, इंडेफिनिट सिटी प्रोटेस्ट 24/7 इसका नाम सही होगा साथियों। क्योंकि ये धरना किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, ये धरना किसी एक हिंसा को लेकर नहीं है, ये धरना है इस यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके की जातिवाद के खिलाफ, इस्लाम इस तरह की यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन मदर के खिलाफ, बीएससी में प्रोफेसर ऋतु के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ, और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज में, ऐसे कॉलेजेस में, पूरी सोसाइटीज में दिन प्रतिदिन हमको ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती है। आज की लगातार हम गले पाल मार के नारे लगाते हैं कि हमारा हथियार, हमारी ताकत ये धरना और हमको यूनाइट होने से मिलती है। ये धरना चलता है ताकि इन लोगों को जो तमाम ये महल में अंदर महल बना हुआ स्थान होगा उसे बैठ के देख रहा है सब कुछ, उसके तमाम ऐसे लोग कैमरे के आसपास घूम रहे होंगे, वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, उसको पता है कि अब कौन बोल रहा है, इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और तमाम हमारे वकील साहब सेम कॉन्स्टिट्यूशन के मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य कन्वीनर नमित मेहता साहब और तमाम ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इस देश में, इस कैंपस में डेमोक्रेसी जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, और तमाम अत्याचार जो हो रहे उसके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से एक समतावादी समाज बना सके, एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सके, एक ऐसा समाज जहां पर तरह की छूने ना हो, जहां पर जाति के नाम पर, जनजल के नाम पर, कल के नाम पर, ऋषि के नाम पर अत्याचार ना हो, जहां पर किसी भी तरह का रोजगार ना हो, इस सोसाइटी के लिए हम लड़ रहे हैं, समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। आज जब हम एक पर्चा, ये मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन का पर्चा, डॉक्टर टू का जो पर्चा की कविता रोए, क्यों आज उसको जेल में जाना चाहिए, उसको लेके जब आज हम गए अंदर वार्ड नंबर 1 वादी, उसके तमाम ऐसे दलाल प्रोफेसर मैं बोलूंगा, बाकी सूर्य बोलने गया तो बोलूंगा, तब सूर रहे होंगे, बोलो बाहर भी कर दी डायरेक्ट गले में पट्टे लाने घूम रहे होंगे। जब आज हम बच्चा लेके गए अंदर प्रोफेसर के बीच में, उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया, इसको छूने से वो डर रहे थे। इसका मतलब आज जब मौजूद साथी लोग, जब दलित छात्र, दलित प्रोफेसर उनको बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमको इस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है, तो उन लोगों ने बच्चे को छूने से मना कर दिया। साथियों ये दिखाता है कि यहां का जीता में जो बैठा प्रेजेंट प्रेसिडेंट एके वादी, वो भी कहीं ना कहीं चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो टीचर यूनियन का मशीन थे। तो हम उन सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद करेंगे, हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। जब तक एक बात महत्वपूर्ण आ रहा है कि हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे समाज को बदलने के लिए। आज एक स्कूल एक छात्र होने के नाते आज भी साफ फैकल्टी से और तमाम स्टूडेंट्स के बीमा सोसाइटी की तरफ से ये नाराज बुलंद करना चाहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन में हमको चाहते ही एक ग्रुप से हम निकाल दिया जाता है, हमारे इंजीनियर मना हो जाते हैं, चाहे रोज जमीन आए, हम इंजीनियर आए, चाहे इंश्योरेंस हो,
तमाम सूफी नदियां होंगी क्या उनको पहले की नदी में होना पड़ता है जितनी अजीब मंजिल जाके इसी दिन बाहर भी उसके बाद पहले के बाद प्रोफेसर बन जाते हैं। एक समाज सुधारने की जो इच्छा थी उसको करते हैं, जो डॉक्टर जो प्रोफेसर ने किया उनको निकाल दिया जाता है। इसका मतलब हमारे प्रोफेसर हमारे इंस्पिरेशन है, हम उन लोग उन प्रोफेसर के साथ बैठते डीजल में सीखने मिलता है। डॉक्टर तो हमारे प्रोफेसर हमारी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो पढ़ी थी, वो लड़ी थी पहले के लिए। आप जब समाज बदलने की बात आई तो उनको निकाल दिया गया इसकी यूनिवर्सिटी से। जो जो नारा है जो तमाम बहुजन छात्र जो हमारे छात्र आज इस संपत्ति में खड़े होकर देते कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद हम लड़ने पढ़ने के लिए पढ़ेंगे समाज बदलने के लिए नारा। ये दो नारे सबसे महत्वपूर्ण है। जब जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारा लगाते इसका मतलब अकोली को अंबेडकर वो कहते हैं कि हम लोग इस जाति के खिलाफ नहीं है, हम इस विचारधारा के खिलाफ है जो इस जाति से निकल जाती है। खिलाफ है। और ब्राह्मणवाद क्या होता है वो तमाम जो लोग राज्य के अंचल के अंदर आए थे उनको समझाना होता था कि तमाम जो प्रोफेसर यहाँ आस पास खड़े हैं हमारी आवाज सुन रहे होंगे उनको भी इस नारे का सुनत जो बाबा साहब अंबेडकर नेतृत्व थे और सावित्री फुले जो तो फलन दिया कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। उसका मतलब है समाज में हो रहे जातिवाद, समाज में और नारे जो महिलाओं के विरोध में नीतियां उनके खिलाफ ये नारे मारे, चाहे महिला अपर कास्ट में हम उसके साथ खड़े हैं क्योंकि महिलाओं की लड़ाई एक जैसी है, दलितों की लड़ाई एक जैसी। हम सबको एक साथ होकर हिमाचल जगत पर नहीं लड़ना पड़ेगा, चाहे मुस्लिम से प्रदूषण से महिला हो दलित हो वंचित हो मुस्लिम हो हम सबको बहुजन बोलते हैं, उन सबको मिलाकर बहुजन मिलता है। मैं अपनी बात जो है खत्म करेगा तो साथियों जो भी न्यूज ग्राम इंकलाब जिंदाबाद छात्र का विकल्प होता है जिंदाबाद। जो भी आ रहा है जो भी हाजिरी अपनी जगह पर भर रहा है क्योंकि एक ही नारा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए, मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन एक मुहिम है संविधान को बचाने की। इस मुहिम में इस जगह पर जो भी जुड़ रहा है आप यकीन मानिए जब हमारे बच्चे आपके बच्चे इतिहास पढ़ेंगे तो आपका नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में से आएगा ना कि लगाने वालों में से आएगा। अपने लिए जोरदार से तालियां बजाएं। और मैं अभी मंच की शुरुआत करते ज्यादा वक्त खुद नहीं लूंगी, वैसे कायदे से तो मुझे नहीं पता बंटी जी सुमित जी के पास कितना टाइम है, सर आपके पास दवा खाने जाना है तो मैं चाहती हूँ।